नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2019 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हाल ही में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, तो 23 मई को आया है, तो उसके बारे में तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन, जैसे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तब बीजेपी को कितनी सीटें आई हैं, इसके अलावा कौन सा अभिनेता किस सीट से चुनाव जीता है, तो कौन सा बड़ा दिग्गज जो नेता है वह किस सीट से चुनाव आ रहा है, तो पहली बार दोस्तों ईवीएम का प्रयोग कहां पर किया गया, इसके अलावा वीवीपैट है उसका प्रयोग सर्वप्रथम कहां गया, ऐसे ही बहुत से प्रश्न इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को सब शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन है, घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं तुरंत वीडियो डालते ही आपको सूचना मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को कुल कितनी सीटें मिली हैं। तो कुल कितनी सीटें मिली हैं दोस्तों, तो लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को कुल सीटें मिली हैं, वह मिली हैं 303। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया, 303 सीटें मिली हैं। दोस्तों, कुल जो एनडीए है, एनडीए को कुल सीटें कितनी मिली हैं, तो एनडीए को दोस्तों 352 सीटें मिली हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिली हैं, 303 सीटें मिली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सनी देओल किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। तो हाल ही में दोस्तों फिल्म अभिनेता सनी देओल ने चुनाव लड़ा था, तो वह किस लोकसभा क्षेत्र से थे, तो ये पंजाब के गुरदासपुर से थे। तो इसका राइट आंसर हो गया पंजाब का गुरदासपुर, इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी हाल ही में किस लोकसभा के गठन के लिए भारतीय आम चुनाव संपन्न हुए हैं, तो ये कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो ये दोस्तों 17वीं लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव संपन्न हुए हैं। तो 17वां जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को कुल कितने सीटें मिली हैं। तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि एनडीए को कुल 352 सीटें मिली हैं, जिसमें से 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को कुल कितने सीटें मिली हैं। तो यूपीए को कुल दोस्तों 87 सीटें मिली हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, आप जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों कितनी जीती हैं, ये जीती हैं 52 सीटें। तो कांग्रेस पार्टी के जो हाथ का सिंबल है, उस सिंबल पर 52 सदस्य लोकसभा में चुनकर आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो लोकसभा के प्रधानमंत्री हैं वह दोस्तों नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में 30 मई को दूसरी बार भारतीय लोकसभा में शपथ, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो प्रधानमंत्री कौन हो गए, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो मोदी जी चुनाव जीतकर कहां से आए हैं, तो उनका संसदीय क्षेत्र क्या होगा, तो वह चुनाव जीतकर आए दोस्तों वाराणसी से। तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है यह हो जाएगा वाराणसी। पिछली बार भी वाराणसी से चुनाव जीतकर आए थे और इस बार भी वाराणसी से चुनाव जीतकर आए हैं, कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज की है, उन्होंने किसे हराया है। तो केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है, उसने दोस्तों राहुल गांधी को हराकर यह सीट जीती है। राहुल गांधी अमेठी से हर बार चुनाव लड़ते हैं, तो जीते भी हैं, तो ये दोस्तों गांधी परिवार का गढ़ रही है सीट, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी ने 45,000 वोटों से राहुल गांधी को हरा दिया है। तो राहुल गांधी वहां से हार गए, तो स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव जीत गई हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं, कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में दोस्तों अधिकतम सीटों की संख्या है वह दोस्तों 552 हो सकती है। तो वर्तमान में कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य की संख्या है वह है दोस्तों 542, यानी 542 कुल सीटों पर चुनाव हुए थे। तो वर्तमान में संख्या कितनी है, 542 है। तो 542 है दोस्तों, आप बताइए
कि इसमें राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं लोकसभा में, तो जल्दी से आप नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, लोकसभा में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए किसी एक दल के पास कितनी सीटें होनी चाहिए, तो लोकसभा में दोस्तों जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है उसको बनाने के लिए एक दल के पास कुल 272 सीटें होनी आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया 272, यानी 272 से अधिक सीटें होंगी वही सरकार बना पाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने वर्ष बाद एक दल को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला है, तो ये कितने वर्ष बाद हुआ है, तो ये दोस्तों 48 वर्ष के बाद में किसी दल को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला है। ऐसा दोस्तों 48 वर्ष के बाद में हुआ है। ये पहले कब कब हुआ है आपको बता दें कि पहले दोस्तों नेहरू जी को मिला था साल 1952 में, 364 सीटें जीत कराए थे, तक 1957 में फिर 371 सीटें जीत कराए थे, फिर 1962 में 361 सीटें जीत कर आए थे, जो बहुत ही पूर्ण बहुमत मिला था। अगला मिला था वह दोस्तों इंदिरा गांधी को, जिन्होंने 1967 में 283 सीटें जीती थी, तक 1971 में 352 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई थी। अब है दोस्तों नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी को दोस्तों 2014 में 282 सीटें जीती हैं, जबकि 2019 में दोस्तों 303 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई है। अगला देखते हैं, अगला है लोकसभा में विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल कितने सांसद होने चाहिए, कुल कितने लोकसभा के सदस्य पार्टी के होने चाहिए, तो लोकसभा में दोस्तों विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल 55 सदस्य होने चाहिए, जो दोस्तों अभी किसी भी पार्टी के पास नहीं है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कोई विपक्ष नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा है, जो है 52 सीटें हैं, उसके बाद है दोस्तों वह डीएमके के पास है, लेकिन 55 सीटें चाहिए होती हैं विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए, लेकिन विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लायक किसी कोई भी पार्टी नहीं बची है। अगला है दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है, तो आपको अभी बताया था कि डीएमके है, ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से किसने अपनी जीत दर्ज की है, तो सबसे ज़्यादा जो वोटों का अंतर है उससे कौन जीते हैं, तो कौन जीते हैं अब बताइए आप, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सीआर पाटिल हैं, ये गुजरात से चुनाव जीते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं, तो इन्होंने सर्वाधिक मतों से जीत हासिल की है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे कम मतों से जीत हासिल करने वाले सांसद कौन बने हैं, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो इनका नाम है दोस्तों बीपी सरोज, जो 180 के लगभग, मतलब 181 या 184 मतों से चुनाव जीतकर आए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी ने कहां से जीत दर्ज की है, तो लोकसभा चुनाव 2019 में दोस्तों राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से, यानी केरल राज्य है वहां की जो वायनाड लोकसभा सीट है वहां से चुनाव जीतकर राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे हैं। राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो कुल कितना प्रतिशत हुआ है, तो इस बार दोस्तों 67.11% मतदान हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं जीतकर लोकसभा पहुंची हैं, तो इस 17वीं जो लोकसभा है इसमें दोस्तों कुल 78 महिलाएं चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है, तो कितनी सीटों पर की है दोस्तों, 80 सीटों में से कितनी सीटों पर की है, तो 62 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो इसका राइट आंसर हो गया 62 सीटें। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे युवा सांसद के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं, तो सबसे युवा जो सांसद हैं उसके रूप में दोस्तों तेजस्वी सूर्य हैं वह निर्वाचित हुए हैं, जो सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं। नेक्स्ट है, सीपीआई के उम्मीदवार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को, जिन्होंने हार का सामना करना पड़ा, ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, तो किस सीट से चुनाव लड़ा था, तो ये था दोस्तों बेगूसराय से, तो बेगूसराय इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भाजपा उम्मीदवार व भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को
हराकर अपनी जीत दर्ज की है, वह कहां से चुनाव जीते हैं? तो निरहुआ है, वह चुनाव हार गए थे। और सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव हैं, वह चुनाव जीते हैं किस सीट से? वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सीट से चुनाव जीते हैं। तो आजमगढ़ इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, देश का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जहां पूरी मतगणना महिलाओं ने करवाई थी? तो कौन सा जिला है? तो यह है हरदा जिला। तो हरदा जिले में जो पूरी मतगणना है वो महिलाओं अधिकारियों के द्वारा करवाई गई थी। अगला है दोस्तों, फिल्म अभिनेता व भाजपा के उम्मीदवार रवि किशन ने कहां से लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है? तो रवि किशन ने दोस्तों गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ लोकसभा में शासन में चुनकर आया करते थे, वहीं से गोरखपुर से चुनाव जीत कर आए हैं। अगला देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 में किस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द कर दिया गया था? तो यह तमिलनाडु का वेल्लोर सीट है, जिसका निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है वह रद्द कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? कि वहाँ पर दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में पैसा है, मनी पकड़ी गई थी, जिसके कारण यह चुनाव यहाँ का चुनाव रद्द कर दिया गया था। इसको उस चरण के बाद में जो अंतिम चरण का चुनाव हुआ था उसके साथ में संपन्न कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह है, वह गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, VVPAT का उपयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो VVPAT का उपयोग दोस्तों सर्वप्रथम किया गया था वह 2013 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया 2013। नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 का उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया? तो चुनाव आयोग ने दोस्तों अनुच्छेद 324 का जो उपयोग है वह सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल राज्य में किया था। तो पश्चिम बंगाल है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 है, इसका प्रयोग करते हुए समय सीमा समाप्त होने से पहले वहां पर चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई थी। तो अनुच्छेद 324 के तहत पश्चिम बंगाल में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह हैं सुनील अरोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सुनील अरोड़ा। अगला देखते हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां पर बनाया गया है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है वह हिमाचल प्रदेश के मंडी जो सीट है, मंडी सीट पर बनाया गया है। मंडी में एक जगह पड़ती है, वहां पर ये इसका मतदान केंद्र बनाया गया है। अगला है दोस्तों, लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ? तो लोकसभा चुनाव दोस्तों 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो 7 चरण कौन कौन से थे? वह थे 11, 18, 23, 29 अप्रैल व 6, 12 और 19 मई को संपन्न हुआ था। अगला देखते हैं, भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन है? तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो चुनाव राजदूत हैं उसका नाम है दोस्तों गौरी सावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी सावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया? तो देश का पहला जो वाटर पार्क है वह गुड़गांव में खोला गया था। गुड़गांव इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम EVM का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो भारत में दोस्तों सर्वप्रथम जो EVM का प्रयोग है वह केरल राज्य में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया केरल। सर्वप्रथम केरल में किया गया था, लेकिन जो पूरे राज्य का चुनाव है वह किस राज्य का किया गया था? तो गोवा का EVM के द्वारा पूर्ण राज्य का चुनाव करवाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 की जो थीम है वह क्या है दोस्तों? वह है नो वोटर्स टू बी लेफ्ट, यानी कोई भी वोटर पीछे न रह जाए, टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यह 2019 लोकसभा चुनाव की थीम रही थी। नेक्स्ट है, संपूर्ण चुनाव को EVM से कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो अभी आपको बताया था, तो वह है गोवा। तो गोवा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, 2019 लोकसभा चुनाव का मतदान हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसका जो हेल्पलाइन नंबर था वह था 1950। तो इसका राइट आंसर हो गया 1950। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में दोस्तों हर वर्ष जो राष्ट्रीय मतदान दिवस है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 25 जनवरी को। इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों, तो पहली बार दोस्तों राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी 2011 को मनाया गया। इसकी शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल के द्वारा की गई थी, तो ये पहली बार 2011 में मनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से शुरू हुआ, तो भारतीय चुनाव में दोस्तों ईवीएम का प्रयोग वह 1998 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो देश के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह थे सुकुमार सेन, तो सुकुमार सेन इसका राइट आंसर हो गया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का जो लोकसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे, वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इस वीडियो में चर्चा किए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, तब सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का बना हुआ है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाली जितने भी वीडियो हम स्टडी से रिलेटेड वीडियो लेकर आएँ, तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको डेली हम उपलब्ध करवाते रहते हैं, तो उस सभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।